अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 15 है, क्लास 10 सब्जेक्ट फिजिक्स। इसमें हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कर रहे थे। इसमें 10.9 हमारे पास न्यूमेरिकल है, एट वन एंड ऑफ रिपल टैंक 80 सेंटीमीटर क्रॉस अपीयर है। हमारे पास ना एक एंड के ऊपर रिपल टैंक के ऊपर 80 सेंटीमीटर क्रॉस क्या हो गया, डिस्टेंस दिया 80 सेंटीमीटर है। ऑफ 5 हर्ट्ज वाइब्रेटर प्रोड्यूसेस वेव whose wavelength is 40 मिलीमीटर। कह रहा है हमारे पास ना जो आपका कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी है वो 5 हर्ट्ज है, जो वेवलेंथ की वैल्यू दी है हमारे पास, जो वाइब्रेटर प्रोड्यूस करता है वेव उसकी जो लेंथ है वो 40 मिलीमीटर है। फाइंड द टाइम वेव नीड टू क्रॉस द टैंक, आप ये प्रूव करना है हमें कितना टाइम रिक्वायर्ड है, ठीक है, वेव को टैंक के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास डेटा दिया है ना वो ये है कि जो डिस्टेंस दिया है 80 सेंटीमीटर है, जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है वो 5 हर्ट्ज है, जो वेव लेंथ है यानी कि लैम्डा 40 है, आपने टाइम फाइंड करना है। तो यहाँ लिखना है आपने डेटा हमारे पास क्या दिया है, यहाँ हमारे पास जो डिस्टेंस है वो दिया है 80 सेंटीमीटर, उसके बाद जो फ्रीक्वेंसी दी है वो 5 हर्ट्ज है, उसके बाद जो वेव लेंथ है उसको लैम्डा लिखते हैं वो दिया हमारे पास 40 मिलीमीटर। इसमें आपने टाइम फाइंड करना है, ठीक है। अब यहां हमारे पास ना आपने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो डिवाइड बाय करेंगे इसको हम 100 से। जब आपने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना डिवाइड बाय 100, तो आएगा 80 डिवाइड बाय 100, तो यहां हमारा आंसर आएगा 0.8 मीटर। उसके बाद लैम्डा दिया हमारे पास मिलीमीटर में, जब आपने मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है डिवाइड बाय 1000, अब 40 डिवाइड बाय 1000 हमारा आंसर आएगा 0.04 मीटर। अब यहां पे हमने लगाना फार्मूला v इज इक्वल टू डी ओवर टी। आप देखिए हमें फाइंड करना है इसमें ना t का अर्थ हमारे पास v और d होना चाहिए, हमारे पास d तो है v नहीं है, तो पहले आपने v निकालना है, तो v के लिए लगाना फार्मूला v इज इक्वल टू f लैम्डा। f कह रही है हमारे पास 5 है और लैम्डा कह रही है हमारे पास वो आपका 0.04 है। अब 5 इंटू 0.04 तो आपका आंसर का 0.2 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद अगर लगाए फॉर्म नहीं बता, अब आपने फाइंड करना है इसमें टी निकालना है, टी यहाँ डिवाइड यहाँ मल्टीपल होगा वी इंटू टी इज इक्वल टू डी, अब वी यहाँ पर टी में डिवाइड होगा टी इज इक्वल टू डी ओवर वी। अब डी की वैल्यू पुट करें, डी हमारे पास 0.8 है और वी हमारे पास 0.2 है, अब इनको हम डिवाइड करेंगे जी 0.8 डिवाइड बाय 0.2 तो हमारा आंसर आएगा 4, यानी कि 4 सेकंड, यही आपका आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 10.10 है कि व्हाट इज अ वेवलेंथ ऑफ रेडियो वेव ट्रांसमिटेड बाय एफएम स्टेशन। अब कह रहे हैं हमारे पास वेवलेंथ फाइंड करनी है ऑफ रेडियो वेव की, जो कह सकते हैं ट्रांसमिट की जाती है एफएम स्टेशन से, उनकी जो फ्रीक्वेंसी दी है वो 90 मेगाहर्ट्ज है, वेयर 1 मेगा इज इक्वल 10 रेज पावर 6 है एंड स्पीड ऑफ रेडियो वेव इज 3 इनटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। उनकी जो स्पीड दी है वो 3 इनटू 10 की 8 है। क्वेश्चन हमारे पास ये थी कि आपने वेवलेंथ फाइंड करनी है, जो वेव बनती है एफएम स्टेशन से उनकी फ्रीक्वेंसी 90 मेगाहर्ट्ज है और जो 1 मेगा है इक्वल टू आप 10 की पावर 6 है और स्पीड दी है रेडियो वेव की वो 3 इनटू 10 की 8 मीटर पर सेकंड, इसका हमें फाइंड करना है वेवलेंथ। तो डेटा हमारे पास इस तरह दिया हुआ है कि यहां हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या दी है, फ्रीक्वेंसी है 90 मेगा हर्ट्ज, उसके बाद जो स्पीड दी है वी लिखते हैं वो 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड है, इसका हमें फाइंड करना है वेव लेंथ यानी कि लैम्डा। अब फॉर्मूला हमारे पास वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा, अब 90 मेगाहर्ट्ज है इसको चेंज करें पहले आप हर्ट्ज में, 9 मेगाहर्ट्ज कर 90 इंटू 10 की पावर 6 हर्ट्ज, आप लगाएं फॉर्मूला v इज इक्वल टू एफ लैम्डा।
आपने फाइंड करना लैम्डा है, यहां मल्टी यहां डिवाइड होगा, v ओवर f इज इक्वल टू लैम्डा। अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे, v क्या दिया हमारे पास, v दिया 3 × 10⁸ ओवर f क्या दिया हमारे पास 90 × 10⁶ इज इक्वल टू लैम्डा। अब यहां 3 डिवाइड बाय 90 करते हैं जी, 3 डिवाइड बाय 90 तो आएगा 0.0333। आगे भी सो वाला पॉइंट पर 3-4 डिजिट लिख देंगे। उसके बाद अब यहां हमारे पास बेस सेम है, ठीक है, डिवाइड है पावर मान सकते हैं 10⁸ और ये +6 ऊपर के मान 6 हो जाएगा इज इक्वल टू लैम्डा 0.0333 10⁻⁴ हमारे पास हो जाएगी। अब 0.0333 इनटू 10 को 2 टाइम करें मल्टीप्लाई आपका 100 आएगा। अब करेंगे मल्टीप्लाई बाय 100 तो यहां आंसर आएगा आपका 3.33 और हमारे पास वेव लेंथ का यूनिट वापस मीटर है तो यही हमारे पास इसका आंसर है। अब इसमें आपने क्वेश्चन नंबर जो आपका 10.9 है और 10.10 है इनकी कर प्रैक्टिस करनी है जी और नोट करना है। ओके, लास्ट।